हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को MT2 लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं, जो कि रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ऑफ बेस्ड है। इस तरह के क्वेश्चन के एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कॉनिक दैट द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स बाय रिड्यूसिंग इट टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म 9x² + 6xy + y² - 10√10x + 10√10y + 90 = 0। तो हम यहाँ सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म 9x² + 6xy + y² का मैट्रिक्स लिख लेंगे, ठीक है, जो कि हमें इस रूप में प्राप्त होगा। इसे हम ए मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ले लेंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, जो हमें इस रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इज इक्वल टू जीरो। यहाँ 9 - λ × 1 - λ - 3 × 3 = 0। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें लैम्डा का वैल्यू क्या मिलता है, 0.10। तो ये क्या हो गया, आइगन वैल्यूज़ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इन आइगन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर पहले आइगन वेक्टर निकालेंगे और उसके बाद नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, तो ए माइनस लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, जहाँ की एक्स क्या है, आइगन वेक्टर है लैम्डा इज इक्वल टू जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर a माइनस लैम्डा का वैल्यू 0 लेकर चल रहे हैं, तो 0 × i × x = 0। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स यहाँ 0 वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर a का मान क्या दिया हुआ है मैट्रिक्स के रूप में, 9331, ठीक है। x यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट रो में सेकंड रो का 3 गुना को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ 0 0 हो जाता है, 3 1, फिर एक्स वाई इक्वल टू 0 0। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है हमें, 3x + y = 0, इससे y इज इक्वल टू क्या मिलता है, -3x, ठीक है। इसके बाद अब आइगन वेक्टर पता कर लेते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, यहाँ वाई की जगह -3x लिख लेंगे, तो एक्स की जगह 1 लेंगे, तो हमें यहाँ पर इस आइगन वेक्टर का वैल्यू क्या प्राप्त होगा, 1 - 3। अब हम नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को पहले निकाल लेते हैं और फिर क्या करते हैं, प्रत्येक एलिमेंट को उसे डिवाइड करते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होगा, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर। तो यहाँ पर √1² + -3² = √1 + 9 = √10। तो नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट को √10 से डिवाइड कर देंगे, 1/√10 - 3/√10, ठीक है। उसके बाद आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 10, यहाँ ए माइनस लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, तो ए माइनस लैम्डा की जगह 10 ले लेंगे, i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, तो ए माइनस 10i इस रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। x ये मेरा हो गया आइगन वेक्टर इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, यानी 0 0 कॉलम वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, फर्स्ट रो का 3 गुना को सेकेंड रो में जोड़ देते हैं, तो यहाँ 0 0 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर -x + 3y = 0, तो इससे x का वैल्यू क्या मिलता है, 3y, ठीक है। तो अब आइगन वेक्टर प्राप्त कर लेते हैं, xy = x की जगह 3y y, ठीक है। तो टेकिंग y = 1, तो xy का वैल्यू 3 1 1 मिलता है हमें, ठीक है। तो फिर हम नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर प्राप्त कर लेते हैं, √3² + 1² = √9 + 1 = 10। तो नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा, 3 √10 और 1 √10। अब हम अप्लाइंग कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, क्या इस कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का हम अप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए, ठीक है। क्या एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें पहला जो नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर निकला है उसे लिख देंगे, फिर यहाँ दूसरा नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर, इसकी सहायता से हमें एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा पी, ठीक है। अब इंटू यहाँ पर हम यहाँ क्या ले लेंगे, x1 y1, ठीक है। मतलब एक्स और वाई को हम x1 और y1 के टर्म में लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√10 x1 + 3/√10 y1, इसी तरह से हो जाएगा -3/√10 x1 + 1/√10 y1। तो x का वैल्यू निकलेगा 1/√10 x1 + 3/√10 y1 और y का वैल्यू निकलेगा -3/√10 x1 + 1/√10 y1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक फॉर्म 9x² + 6xy + y² को ऑर्थोगोनल कैनोनिकल फॉर्म में लिख देंगे। तो ऑर्थोगोनल कैनोनिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, λ1 x1² + λ2 y1² तो λ1 का वैल्यू क्या है, 10, और λ2 का वैल्यू 0 है। हमेशा याद रखेंगे आइगन वैल्यू जो हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है, उसमें हम जो बड़ा वैल्यू है उसे λ1 कहेंगे और जो छोटा वैल्यू उसे λ2। इसलिए λ1 x1² + λ2 y1² ठीक है।
तो यहाँ पर हमें सिर्फ टेन एक्स वन स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर हम दिए गए इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें यह किस रूप में प्राप्त हुआ है, टेन एक्स वन स्क्वायर, फिर माइनस टेन अंडर रूट टेन। अब जो हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने की बात कही है, ठीक है, उसे हम अप्लाई करेंगे। एक्स की जगह इसे लेंगे, वाई की जगह इसे लेंगे, तो यहाँ पर एक्स की जगह और जहाँ वाई है वहाँ इसे लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलता है, एक्स वन माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू वाई वन माइनस फाइव बाई टू। अप्लाइंग ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स प्लस, ठीक है, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स प्लस, जैसे अल्फा, अल्फा की जगह हम क्या ले लेंगे, टू। हम इसे इस तरह से लेते हैं जिससे कि एक्स का मान हमें यह आ जाए, ठीक है, एक्स वन माइनस टू, इसलिए हम यहाँ पर टू लेंगे, ठीक है। जिस अगर हम एक्स का मान निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वन माइनस टू। इसी तरह से यहाँ पर भी हम वाई वन बराबर वाई प्लस क्या लेंगे, तो हम फाइव बाई टू लेंगे, क्योंकि अगर हम वाई वन माइनस फाइव बाई टू का मान प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे हमें क्या निकलेगा, वाई निकलेगा, ठीक है। यहाँ फाइव बाई टू इधर आ जाएगा, तो बिल्कुल इसी तरह से आ जाएगा वाई वन माइनस फाइव बाई टू। तो इसलिए वाई वन इज इक्वल टू वाई प्लस फाइव बाई टू लेने पर वाई की जगह हम वाई बराबर क्या लिखेंगे, वाई माइनस वाई वन माइनस फाइव बाई टू। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू, यहाँ यह क्या हो जाएगा, वाई। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई, जो कि क्या है, एक पैराबोला है। तो हैंस द गिवन इक्वेशन क्या है, इज अ पैराबोला। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।